चलिए दोस्तों, एक बहुत ही बड़े खबर में आपको आपको अपडेट कराते हैं क्या हुआ है। अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले ही खाड़ी में जहाँ पर कि ईरान है, ईरान है, उसमें बगल में और सऊदी अरबिया एक्सेट्रा और भी कंट्री है, अमान, ओमान, कतार बहरीन, उसके बाद और भी है उसमें, इसराइल सब है बगल में। अब देखिए वहाँ पे क्या हुआ है कि ईरान जो है ना हमला कर दिया पाकिस्तान पर। अब ईरान हमला पे पाकिस्तान पे क्यों किया है, क्योंकि ईरान में कुछ दिन पहले ही वहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में एक उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उसको ऐसा कहा जाता है कि उसको अमेरिका के द्वारा मरवा दिया गया था। तो उसके मतलब नहीं होता जुलूस में फिर निकले थे, उसका जब नहीं होता है साल साल में तो निकले थे, वहाँ पर कोई बम विस्फोट से लगभग ईरान के 100 से ज़्यादा नागरिक मारे गए थे। तो उसी के अब उसी को कौन मारा गया था ये पता करने के लिए, तो आतंकवादी सबको बड़ा बनने के लिए, तो बड़ा कैसे बनता है, तो कहता है कि जो ज़्यादा मारता है वो ज़्यादा ज़्यादा बड़ा आतंकवादी है। तो उन्होंने बस पाकिस्तान का आतंकवादी का तो घर ही बना के रखा है पाकिस्तान को, तो बस वो उसी में लेके डूब लेके बैठ गया, बोला हाँ हाँ हमला किए। अब रहा गया नहीं, आप तो रहा जाएगा कैसे, अब बोला सीधा से गया यहाँ, देखिए ईरान गया था अभी इंडिया के विदेश मंत्री जयशंकर साहब, वहाँ गए और उसको बता दिया आराम से। इंडिया का एक ही नीति रहा है, आतंकवादी हमला कहीं पर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वही वहाँ गए होंगे तो फिर वहाँ पर समझाए होंगे ईरान में, तो बस अटैक कर दिया अच्छे तरीके से। अरे आतंकवादी का घर बना के बैठा हुआ है पाकिस्तान को, एक रोज़ डूबेगा पूरा के पूरे पाकिस्तान का, अच्छे से डूब जाएगा, नौटंकी करके बैठा हुआ है, इंडिया को भी परेशान कर रहा है और दूसरे को भी परेशान कर रहा है। और इंडिया का तो सीधा सा लहजा में है आतंकवादी हमला किसी पर भी उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसराइल पर जो हमला गाजा ने हमला किया था तो इसी मुद्दे पर उन्होंने भी साथ दिया था, भारत ने जो जिसको साथ दिया था इसराइल का, कि क्योंकि आतंकवादी हमला था वो, इसीलिए भारत ने किसका पक्ष ले लिया था इसराइल का, इसलिए नहीं कि फिलिस्तीन हमला था, वो एक क्या था आतंकवादी हमला था। चलिए और सिलसिलेवार तरीके से सबको देखते हैं, देख सकते हैं आप इंडियन एक्सप्रेस का खबर लगा हुआ है जो इस पर 24 मिनट पहले का न्यूज़ का है, चलिए देखते हैं और आगे। मतलब हालांकि अभी तो ये है कि पाकिस्तान भी उस पर हमला कर दिया, लेटेस्ट खबर ये है अभी का। चलिए और देखते हैं आगे क्या क्या है, आप ही फोटो देख सकते हैं जहाँ पर जयशंकर साहब ईरान गए थे तब का है ये, और वहीं पर लॉन्च कर दिए थे, तुरंत अटैक कर दिए थे पाकिस्तान पर नेक्स्ट डे। चलिए और आगे देखते हैं क्या क्या है, सबको सिलसिलेवार तरीके से और सबूत के साथ। एक आतंकवादी संगठन तो यहाँ से ले लिया, यहाँ पर एक था एक आतंकवादी संगठन पाकिस्तान का, एक इराक का था इधर, इराक पे भी हमला कर दिया इन्होंने ईरान। अभी बहुत बढ़िया खेल रहा है इंडिया के तरफ पे खेल रहा है, जैसे इंडिया एयर स्ट्राइक कर दिया था पाकिस्तान में, आतंकवादी भी बहुत सारा उड़ा दिया था, तो उसी तरह से ये भी इस कर रहा है, अभी तरह से अच्छा कर रहा है। आतंकवादी होना ही नहीं चाहिए, आतंकवादी कोई सपोर्ट नहीं, कोई नहीं, तो वही कर रहा है। अब चलिए और आगे देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए यहाँ पर भी दो डाउट है, जो सर्कल में घिरा हुआ है ये भी लोकेशन है आतंकवादी का, यहाँ पर हमला किया गया था तुरुबाज करके कुछ नाम है लोकेशन का, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाला, ये जो रेड कलर का दिख रहा होगा, रेड कलर का, यहाँ से स्ट्राइक किया गया और उड़ा दिया गया यहाँ पर जो भी आतंकवादी सब रहता था उसको। चलिए ये सब जो है ना, ये बलूचिस्तान का स्टेट है, ये इसका पंजाब वाला इधर, ये इधर जितना रहता है यहाँ से, ये सब बलोच का है, तो बलूचिस्तान सब रहता है यहीं पर, कुछ कुछ है आतंकवादी संगठन जो हमला करते रहता है। चलिए और देखते हैं, वहाँ का एक साइंटिस्ट था कासिम सुलेमान, उसको कहा जाता है कि अमेरिका के ड्रोन के द्वारा किल कर दिया गया था, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और उसी के ही नहीं होता है साल में, उसी में निकला था वहाँ के बहुत सारे लोग, तो वहाँ पर वहीं पर बम ब्लास्ट हो गया था, तो अब जो निकला था तो वहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग मर गए थे, तो इसी के और वो ले लिया, बोला हाँ हम मारे हैं, तो बोले ले मारा है, तो आराम से स्ट्राइक किया और वहाँ पर आतंकवादी संगठन को मार दिया गया है। तो अब देखते हैं और आगे क्या क्या किया आगे। आप बीबीसी का भी खबर देख सकते हैं, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया गया है कि इसमें बिना कितना किल कर दिया अभी तक, 84, ये तक अभी बीबीसी का न्यूज़ है, आप देख सकते हैं इसका भी क्लिप है। और ईरान की तरफ से भी न्यूज़ निकला था, सबसे पहले ईरान का ही मीडिया ने ये न्यूज़ दिया था कि ईरान ने स्ट्राइक कर दिया गया पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों पर, और हालांकि वहीं साथ साथ ईरान में भी, ईरान कहते हैं सॉरी सॉरी, इसमें सीरिया में भी किया था, वहाँ से भी आतंकवादी संगठन कर रहा था। चलिए यही सब है, देख रहे हैं यहाँ पर भी दागा गया था फटाफट, और ईरान से यहाँ पर भी दागा गया था, क्योंकि यहाँ सबसे ही बोल रहा था कि हमने किया हमला, तो लो तुमने किया तो भोगो इसको। बहुत ज़्यादा है, तो इसमें देख सकते हैं, इसमें ईरान ने सोमवार की देर रात के इराक और सीरिया में कई ठिकानों पर हमला किए। ईरान ने कहा कि उसके उसके अरबी जासूसों के मुख्यालय ईरान और के विरुद्ध आतंकवादी संगठनों के ठिकाने को निशाना बनाया जाए, बनाया नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था हमने लिया है, हमने नहीं होता है कि बोल दिया गया कि हमने किया है, तो इसीलिए फिर मिसाइल दागा और फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मार दिया गया। फिर वहाँ जो क्या हुआ कि
फिर जैसे ही पाकिस्तान को ये खबर खबर लगी तो उन्होंने वहाँ जो भी रात विदेश उच्चायुक्त रहता है उसको वहाँ से बुलाने जाने की खबर सुनने सुनने में आने लगा। देखते हैं क्या होता है और आगे। और अभी जवाबी कार्रवाई के तौर पर उन्होंने भी इसके ऊपर हमला कर दिया और देखते हैं आगे क्या होता है। और इंडिया तो देख रहे हैं यहाँ जब गए थे वहाँ का ट्वीट है जयशंकर साहब का, जो वहाँ जब ईरान गए थे तभी वहाँ का ट्वीट है ये तो। और देखते हैं हम क्या क्या है। ईरान की सेना ने मंगलवार को पाकिस्तान में बलोच उग्रवादी समूह जैश अलंद के दो प्रमुख ठिकानों पर हमला कर दिया। इराक और सीरिया में हवाई हमलों के दिन रेगुलेटरी गार्ड जो होता है, रेगुलेटरी गार्ड जो उसको रेगुलेट करते हैं अच्छी तरीके से, उसमें घुसकर एयर स्ट्राइक कर दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है ईरान का जो सरकारी मीडिया है वो बताया है कि बलोच में जो उग्रवादी समूह है दो प्रमुख मुख्यालय के ठिकाने पर हमला कर दिया, जहाँ पर रहता है उसका निवास है वहाँ ड्रोन से हमला कर दिया गया है। वहाँ पर सबसे पहले वहीं पर आया था जैश अलंद के सबसे बड़ा मुख्यालय है, वहाँ पर सबसे आतंकवादी संगठन का है वहाँ सब वहीं पर सबसे बड़ा मुख्यालय वहाँ पर जाके बैठता है, तो वहीं पर हमला कर दिया गया है। आप यहाँ मिसाइल दागने की फोटो भी देख सकते हैं जिसे मिसाइल दागा दागा गया है यहाँ पर।